नमस्कार दोस्तों, बांसुरी में जितना ज़्यादा ज़रूरी है सफाई से अच्छी ब्लोइंग करना, उतना ही ज़रूरी है टंग के स्ट्रोक्स को बजाना और उनका सही रियाज करना। आप चाहे फिल्मी सॉन्ग्स बजाना चाहते हैं, लाइट म्यूज़िक बजाना चाहते हैं, या फिर आप क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं, टंग के स्ट्रोक्स, टंग का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के लिए ही। दोस्तों, जो प्रोफेशनल फ्लूट प्लेयर्स लाइट म्यूज़िक में टंग के स्ट्रोक्स का यूज़ करते हैं, जो उनकी उस पर पकड़ होती है वो बहुत गजब की होती है और उसी से ही उसमें गजब की मिठास आ जाती है। साथ ही में अगर आप क्लासिकल भी सीखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके गुरु जो हैं आपको एडवांस लेवल पर झाला करना सिखाएंगे, जोड़ करना सिखाएंगे, जिसमें टंग की प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप बांसुरी बजाए, बांसुरी के अंदर कोई भी संगीत बजाए, किसी भी जॉनर का संगीत बजाए, टंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके आकार वाले लेसन के रिस्पॉन्स को देखते हुए, जो आपने तगड़ा ज़बरदस्त घर बैठे बैठे रियाज किया है ना, उसको देखते हुए मुझे बड़ा जोश आ गया है और उस जोश ने मुझे प्रेरणा दी है कि यार ये जब इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, कुछ स्टूडेंट्स तो 56 डेट का रोज़ अटेंडेंस दे रहे हैं, 56 डेज का अटेंडेंस रेगुलर, उनको कितना गजब का इम्प्रूवमेंट आ गया होगा। तो उसने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं आपके लिए टंग के स्ट्रोक्स का आज ही से रियाज लेसन लाऊं, आगे गमक के लेसन्स भी रहूं, रियाज लेसन की मेरे साथ मेरे सामने बैठ के प्रैक्टिस कराऊं और मेरे इन स्टूडेंट्स को तैयार कराऊं घर बैठे बैठे, और पूरी दुनिया देखे कि ये क्या संभव है, क्या ये संभव है कि घर बैठे बैठे इतना गजब का बांसुरी बजाना आप लोग सीख रहे हो। आपका भी 100% चाहिए मुझे, और ये होगा जब संगीतमय चिन्मय आपके साथ है। चलो लेसन को शुरू करते हैं। पानी वानी पीना हो, कुछ काम करना हो तो करके आ जाओ, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम देखना हो तो देख के आ जाओ, 10-15 मिनट तक लगातार प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जब बांसुरी में ब्लोइंग करते हैं तो उसको विद्वानों ने ह कहा गया है, ह ह। तो हम जब नॉर्मल फूंक मारते हैं तो ह ह, इसमें किसी प्रकार का टंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ह, ओके। दूसरा, ट और त भी विद्वानों ने बताए हैं। तो आप जब ट कहते हैं ट, तो आपका जो जीवान है वो ऊपर टच करता है, हाँ, तो आपको फूंक मारते मारते ट बोलना है। दूसरा तरीका होता है त, त, जैसे त बोलेंगे तो जीवान बाहर आएगी, वैसे ही आपको फूंक भी मारनी है। फिलहाल हम ट का रियाज करेंगे। अभी तक हमने पहले जो भी रियाज किए हैं वो ह पे किए हैं। आकार जो प्रैक्टिस किया है, अलंकार जो प्रैक्टिस किया है, उसमें टंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो ह का प्रैक्टिस था, लेकिन ट का प्रैक्टिस आज से शुरू कर रहे हैं। समझ गए ना? मेरे पास ई बेस की बांसुरी है, आपके पास जो भी बांसुरी हो, छोटी बड़ी, आप घर पे वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी रियाज करोगे, ई बेस अगर रहेगा बांसुरी का या ई स्मॉल भी रहेगा तो वो मैच करेगा, हाँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो सा बजाओ, सीधे बैठो, बांसुरी पकड़ो अच्छे से, तनिक मुस्कुराओ, सा बजाओ, ट ट, मेरे साथ बोलो, बजाओ मत बांसुरी अभी, बोलो ट ट ट ट, एकदम साफ बोलो ट ट, ट नहीं ट ट, ट से टमाटर, टमाटर नहीं टमाटर, हाँ टर नहीं टमाटर, ट ट ट ट ट, सा बजाएंगे और ट का साउंड निकालेंगे, हाँ। Thank you.
सा ह यूज मत करना। हमारे एक टीचर थे, बढ़िया पढ़ती थी हमको खींच के, अगर गलती करते थे तो। खुश नसीब हो, लकी हो कि ऑनलाइन चल रहा है, सामने होते तो अभी ट सांस भरो। कितनी देर तक ट खींच सकते हो देखो। सांस भरो, ट बजाओ। कोई और स्वर नहीं, केवल सा। जितना क्लीन, सफाई से और शांति से ट का आवाज निकाल सकते हो निकालो, है ना। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आपको इसमें एक समस्या होगी, सबको होती है, मुझे भी हुई थी, कि बीच में वो गैप्स आ जाएगा, जैसे बीच में गैप आएगा दो स्ट्रोक्स के बीच में। ये नहीं करना। हाँ, क्या करना है? फूक जो है लगातार चल रही है आपकी, फूक ब्लोइंग लगातार चलेगी, उसके बीच में आपको ट ट से उसको उसको उसका डिवीजन करना है, उसको काटना है। हाँ, तो लगातार ब्लोइंग चल रही है और गाओ ट ट ट ट ट। रुक जाओ, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे सा के स्ट्रोक को। यहाँ थोड़ा सा फास्ट, सांस भरो। थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, करें थोड़ा सा और फास्ट। कोई उस्ताद ये मत सोच लेना कि थोड़ा बहुत बजा पा रहे हो तो आ गया है, हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है, किसी भी लेवल पे हो, बेसिक जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजबूती मिलेगी। हाँ, ट
हुआ। हाँ, अब रे करते हैं। जैसे ही आपको लग रहा है कि बिगड़ रहा हो तो तुरंत वीडियो को पॉज करो, पानी वानी पियो। हाँ, गलत कभी प्रैक्टिस नहीं करना। गा करते हैं। सुनो, पीछे तानपुरा हल्का हल्का उसका आवाज़ आ रहा है। हाँ, मैंने लगा रखा है। अब मेरी इच्छा एकदम से एक बार इच्छा हुई एक सेकंड के लिए कि मैं ऐसे बजाऊं लाउडली, लेकिन मुझे मेरी सीमा पता है कि तानपुरे में रह के बजाना है, है ना। तो उससे हम डिसिप्लिन में बजाते हैं, फूक पे कंट्रोल आता है और सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, हार्श नहीं लगता। तो तानपुरे में रहना, उसकी लिमिट में रहना बहुत ज़रूरी है। तानपुरे का दो दो लेसन है यार, बहुत पुराने, बहुत अच्छे लेसन है। प्लीज़ शेयर करो, वापस देख लेना। हाँ, थोड़ा सा आप लोग देखा करो मेरे वीडियोस, चला के छोड़ दो तो व्यूज़ मेरे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। इतना आपको दिल से सिखाता हूँ मैं, आपका जिम्मेदारी बनता है ना। हाँ, चलो ग। माँ करे, हाँ माँ। अब माँ को एकदम ज़्यादा कवर का ध्यान रखना है, कितना कवर करना है होल को। हाँ, ज़्यादा खोलोगे तो बिगड़ जाएगा। अब ध। हाँ,
अब नहीं। आवाज़ सॉफ्ट भी आनी चाहिए, बहुत हार्श भी नहीं आनी चाहिए, टंग के स्ट्रोक्स भी क्लियर बनने चाहिए, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसा ही नहीं कि बस फूंक मार रहे, उंगलियां चल रही है, बांसुरी बज गई और अच्छी बजा दी, रिश्तेदारों ने तालियां बजा दी, हाँ कॉलेज में हूटिंग हो गई और आप चढ़ गए सातवें आसमान में कि भाई हम तो बन गए हरिप्रसाद चौरसिया। हाँ ऐसा नहीं करना, बहुत बहुत मेहनत चाहिए यार। हायर सा ठीक है, अब 8 times करेंगे। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद रियाज करेंगे। आराम से ब्रेक ले लो, अगर एडवर्टीजमेंट आएगा तो देख लेना। हाँ पानी वानी पी लो, फिर रियाज करते हैं। हाँ तो स्वर 8 बार। अवरोह करते हैं 8 बार। एक एक स्ट्रोक पे ध्यान दो, Thank you.
एक एक स्ट्रोक पे ध्यान दो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इसका टारगेट बना के डिसिप्लिन के साथ रोज़ अटेंडेंस लिख के कमेंट बॉक्स में आपका नाम और कौन सा डे है एटलीस्ट 21 डेज का टारगेट सेट करेंगे और ये टास्क पूरा करेंगे। हाँ, अच्छे से बजाओ बांसुरी, ढेर सारा आशीर्वाद है। ओके, और अगर आपको मेरी सहायता करनी है तो ऐसे कर सकते हो कि मेरे कवर्स जो होते हैं, जो मैं कवर्स बनाता हूँ, जैसे अभी आदिपुरुष का कवर आया है, उसको खूब शेयर करो। हाँ, अगर आपको गुरु दक्षिणा देनी है तो ऐसे मुझे दो। ओके, मेरे कवर्स को खूब शेयर करो। अगर आपके घर में किसी को संगीत सीखना हो, आपको सीखना हो, तो आप एकेडमी आके ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन एकेडमी है। और अगर कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो इसको स्किप बिल्कुल मत करो। अगर भविष्य में मैं कोई पेड प्रमोशन लेके आता हूँ किसी चीज़ का, तो उसको भी सपोर्ट करो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस में रहूं कि चलो मेरे स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी मैं और लेसन लेके आऊँगा और गजब की जानकारी मैं आपको दूंगा और खूब तैयार करवाऊँगा। ठीक है, मस्त रहो, मुस्कराते रहो। अगला लेसन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, पर उसके लिए ये तैयारी करनी पड़ेगी। जय हिंद और जय भारत।